लंबे बालों वाली परी। एक समय की बात है, पृथ्वी से दूर एक परी लोक हुआ करता था। उस परी लोक में रवि और सोनाली नाम के दो पति पत्नी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन सोनाली रवि को बताती है कि उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सुनकर रवि बहुत खुश होता है। सोनाली, अब तुम्हें अपना और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा, आखिर हमारी खुद की संतान इस दुनिया में आने वाली है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। उनके घर के सामने एक अलीशा नाम की जादूगरनी अपनी बड़ी सी हवेली में रहा करती थी। उसकी हवेली के सामने एक बगीचा था जिसमें बहुत सारे अमरूद के पेड़ लगे हुए थे। ऐसे ही एक दिन सोनाली परी अपने घर के बाहर टहल रही होती है, तभी उसकी नजर जादूगरनी के बगीचे पर जाती है जहाँ पर बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे। उन पेड़ों के अमरूदों को देखकर सोनाली परी को अमरूद खाने की इच्छा होने लगी। वो अपनी ये इच्छा अपने पति रवि को बताती है। हमारे घर के पास जो जादूगरनी रहती है उसके बगीचे में बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं। उनमें ढेर सारे अमरूद आ गए हैं। उन अमरूदों को देखकर मेरी इच्छा भी अमरूद खाने की कर रही है। सोनाली, समझने की कोशिश करो, वो बगीचा परीलोक की सबसे ताकतवर जादूगरनी अलीशा का है। वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है। देखो, मैं तुम्हारे लिए सेब और अनार लेकर आया हूँ, तुम ये खा लो। एक बार इसे खा कर तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सेब और अनार बहुत ही मीठे हैं। मैं इन्हें परीलोक के सबसे बड़े बगीचे यानी रानी परी के बगीचे से लेकर आया हूँ। तुम तो जानती ही हो कि रानी परी के बगीचे के फल कितने मीठे होते हैं। रवि के बार बार समझाने पर भी सोनाली वो फल खाने को तैयार नहीं होती। आप समझने की कोशिश करो, मुझे वही अमरूद खाना है, आप किसी भी तरह मुझे वो अमरूद ला कर दो। इतना बोलकर सोनाली परी रोने लगती है। अपनी पत्नी की जिद के आगे आखिर रवि को झुकना पड़ता है। फिर वो जादूगरनी के पास जाता है। जादूगरनी जी, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसको आपके बगीचे के अमरूद खाने हैं, कृपया आप मुझे अपने बगीचे के कुछ अमरूद दे दीजिए। ये मेरा बगीचा है और इसके फल भी मेरे हैं। मैं इसके फल किसी को नहीं दूंगी, चले जाओ यहाँ से। इतना बोलकर अलीशा जादूगरनी रवि को अपने बगीचे से भगा देती है। जादूगरनी ने तो मुझे अमरूद देने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? मैं सोनाली का उदास चेहरा नहीं देख सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर रवि कुछ देर सोचने के बाद ये फैसला करता है कि सबके सो जाने पर वो जादूगरनी के बगीचे में जाएगा और अमरूद तोड़ कर ले आएगा। फिर वो रात के अंधेरे में जादूगरनी के बगीचे में जाता है और ढेर सारे अमरूद चुरा कर ले आता है। फिर वो अमरूद लेकर सोनाली के पास जाता है। सोनाली, देखो, मैं तुम्हारे लिए जादूगरनी के बगीचे से ढेर सारे अमरूद लेकर आया हूँ। अमरूद देखकर सोनाली बहुत खुश हो जाती है। फिर वो बड़े ही मजे से अमरूद खाती है, लेकिन इतने से भी उसका मन नहीं भरता, तो वो रवि को और अमरूद लाने को कहती है। सोनाली की खाते रवि फिर से रात होने पर अमरूद चुराने जादूगरनी के बगीचे में जाता है, लेकिन इस बार जादूगरनी उसे अमरूद चुराते हुए देख लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से अमरूद तोड़ने की? मुझे माफ कर दो जादूगरनी जी, मैंने जो कुछ भी किया अपनी पत्नी के खातिर किया। लेकिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, तुम्हारी पत्नी को मेरे अमरूद के बदले अपना बच्चा मुझे देना होगा। नहीं जादूगरनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकता। एक बार फिर से सोच लो, अगर तुमने मुझे अपना बच्चा नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। ये बात सुनकर रवि बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो जादूगरनी की बात मान लेता है। घर आकर ये बात रवि सोनाली को बताता है। ये सुनकर सोनाली भी बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। कुछ महीने बाद सोनाली एक बहुत ही सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है, लेकिन फिर उन्हें जादूगरनी से किया वादा याद आ जाता है, इसलिए दोनों परीलोक छोड़ने का फैसला लेते हैं।
सोनाली, हमें जल्द ही ये परी लोग छोड़ना होगा, इससे पहले कि अलीशा जादूगरनी को हमारी बच्ची के बारे में पता चल जाए। लेकिन उन दोनों को जिस बात का डर था वही होता है। जादूगरनी को भनक लग जाती है और फिर वो वहाँ पहुँच जाती है और उस बच्ची को अपने साथ ले जाती है। रवि और सोनाली दोनों आंखों में आंसू लिए रोते रह जाते हैं, लेकिन जादूगरनी उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाती। फिर जादूगरनी उस बच्ची का नाम रिया रखती है। धीरे धीरे रिया बड़ी होने लगती है और उसके बाल लंबे और घने होने लगते हैं। जादूगरनी ने उसे जंगल के बीचों बीच एक ऊंची मीनार में कैद करके रखा था। उस मीनार में चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं थी, ना ही कोई दरवाजा था, सिर्फ ऊपर खिड़की थी। अलीशा जादूगरनी ने कभी भी रिया के बाल नहीं काटे थे, क्योंकि जब भी वो उसे मिलने आती वो नीचे से उसे पुकारती, रिया अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जादूगरनी की आवाज सुनते ही रिया अपने लंबे और घने बाल खिड़की से नीचे गिरा देती। उन्हीं बालों के सहारे अलीशा जादूगरनी मीनार पर चढ़ जाती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। मीनार की कैद में रिया परी अक्सर अपना मन बहलाने के लिए गाना गाया करती थी। एक दिन की बात है, चंद्रलोक का राजकुमार विनय परीलोक में घूमने के लिए आता है। मैंने सुना है परीलोक बहुत ही सुंदर है, साथ ही परीलोक के जंगल भी बहुत ही सुंदर हैं। क्यों ना पहले परीलोक के जंगल को ही देखा जाए। जिसके बाद विनय परीलोक के जंगल में घूमने का निर्णय लेता है। अगले दिन वो परीलोक के जंगल के लिए निकल जाता है। जंगल बहुत ही घना था। वो घूमते घूमते रास्ता भटक जाता है, तभी उसे कुछ दूरी पर एक मीनार दिखाई देती है। विनय उस मीनार के पास जाता है। मीनार के अंदर से विनय को बहुत ही मधुर संगीत की आवाज सुनाई देती है, जो कि रिया परी गा रही थी। विनय को ये आवाज इतनी मधुर लगती है कि वो मीनार के अंदर जाने के लिए दरवाजा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दरवाजा नहीं मिलता। फिर वो उदास होकर वहाँ से लौट जाता है, लेकिन रिया परी की आवाज उसके मन को छू गई थी। पता नहीं उस मीनार में कौन रहता है, किसकी आवाज इतनी मधुर है। उसकी आवाज को सुनकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। उस दिन के बाद से हर रोज राजकुमार विनय उस मीनार के पास जाकर रिया परी का मधुर संगीत सुनने लगता है। एक दिन वो चुपके से दूर झाड़ियों के पास बैठ जाता है और रिया परी की मधुर आवाज सुनने लगता है। तभी मीनार के पास जादूगरनी आती है। फिर जादूगरनी बोलती है, रिया तुम अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया अपने बाल नीचे करती है और अलीशा जादूगरनी उन बालों की मदद से ऊपर चढ़ जाती है। ये सब नजारा झाड़ियों में छिपा राजकुमार विनय देख लेता है। अगले दिन जैसे ही शाम होती है, राजकुमार विनय मीनार के पास जाता है। जादूगरनी की तरह रिया को पुकारने लगता है, रिया अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया परी अपने बाल नीचे करती है। राजकुमार बालों की मदद से मीनार तक पहुंच जाता है। रिया परी राजकुमार को अपने सामने देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले किसी आदमी को नहीं देखा था। लेकिन राजकुमार उससे बड़े ही प्यार से बात करता है। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं तुम्हारा मधुर संगीत सुनकर यहाँ आया हूँ। वैसे तुम हो कौन और मीनार में क्यों रह रही हो? ये मीनार अलीशा जादूगरनी का है। उसने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है। मेरे जन्म लेते ही उसने मुझे मेरे माता पिता से छीन लिया था। तब से मैं इसी मीनार में रहती हूँ। मैं उस जादूगरनी की मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जा सकती। लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं चंद्रलोक का राजकुमार हूँ। मैं परीलोक में घूमने के लिए आया हूँ। मैं परीलोक के जंगलों में घूम रहा था, तभी मेरे कानों में तुम्हारी मधुर आवाज सुनाई पड़ी और मुझसे रुका नहीं गया और मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें उस जादूगरनी की कैद से जरूर मुक्त करवा लूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। रिया परी से वादा करके राजकुमार मीनार से बाहर चला जाता है। अब राजकुमार रोज शाम को जादूगरनी के मीनार से बाहर जाते ही
रिया परी से मिलने मीनार में जाता है। अब रिया परी और राजकुमार विनय में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब राजकुमार विनय रिया परी से मिलकर लौट रहा था, तब जादूगरनी अलीशा ने उसे देख लिया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। फिर वो रिया परी को आवाज लगाती है, रिया तुम अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया परी अपने बाल नीचे करती है और जादूगरनी बालों की मदद से मीनार में चली जाती है और गुस्से से रिया परी से बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इसके बाद अलीशा जादूगरनी गुस्से से रिया परी के सारे बाल काट देती है और फिर जादूगरनी रिया परी को पाताल लोक में छुपा देती है ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। इस बात से अनजान राजकुमार विनय रिया परी को बचाने मीनार के पास जाता है और रिया परी को पुकारने लगता है, रिया तुम अपने लंबे और घने बाल नीचे करो। राजकुमार की आवाज सुनते ही अलीशा जादूगरनी रिया परी के कटे हुए बाल खिड़की से नीचे कर देती है। बाल के सहारे राजकुमार मीनार पर चढ़ जाता है। रिया परी की जगह जादूगरनी को देखकर राजकुमार हैरान हो जाता है। तुम जिसकी तलाश में यहाँ आए हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसा कहते हुए जादूगरनी राजकुमार को मीनार से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से राजकुमार बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और परीलोक की रानी परी से मदद मांगता है। राजकुमार विनय, आप चिंता मत कीजिए, हम सब परियां मिलकर रिया परी को जरूर ढूंढ लेंगी। उसके बाद सभी परियां मिलकर पूरे परीलोक में रिया परी को ढूंढती हैं, पर रिया परी उन्हें परीलोक में कहीं भी नहीं मिलती। फिर सभी परियां पाताल लोक में जाने का निर्णय लेती हैं, जिसके बाद राजकुमार और सभी परियां मिलकर पाताल लोक जाती हैं। तभी वहां राजकुमार को रिया परी का वही गाना सुनाई देता है जो वो अक्सर गाया करती थी। आखिरकार राजकुमार विनय रिया परी को ढूंढ ही लेता है। फिर रानी परी जादूगरनी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देती है। रानी परी रिया परी को देखकर बहुत खुश होती है और उससे बोलती है, रिया अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम आजाद हो, कोई तुम्हें बंदी नहीं बनाएगा और तुम अब अपने बालों की भी चिंता मत करो, अब तुम्हारे बाल पहले से भी लंबे और घने हो जाएंगे। इतना बोलते ही फिर से रिया परी के सिर पर लंबे और घने बाल आ जाते हैं, जिसके बाद रानी परी रिया परी को उसके माता पिता से मिलवाती है। अपनी बेटी को सही सलामत और इतने सालों के बाद देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग रानी परी और राजकुमार का धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी मुंबई शहर की है, जहाँ रूहानिका नाम की एक लड़की वहाँ की चौल में रहती थी। रूहानिका बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसकी माँ अमीर लोगों के घरों में जाकर काम करती थी और उसी से उनका कुछ गुजारा चल जाया करता था। एक सुबह रूहानिका सो रही थी, तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटी रूहानिका उठ जा बेटी, 6 बज गए हैं, 7 बजे तक ही पानी आता है, जाकर पानी भर ले, नहीं तो आज पूरे दिन पीने के लिए पानी नहीं होगा घर में। थोड़ा सोने दो ना माँ। रूहानिका के ये कहने पर उसकी माँ दुखी हो जाती है और मन में सोचने लगती है, बेचारी पूरे दिन कॉलेज में पढ़ाई करके थक जाती होगी, मेरे बुढ़ापे के शरीर में कमर और घुटने के दर्द से भारी पानी लेकर ऊपर चढ़ा नहीं जाता है, वरना मैं ही पानी ले आती। कोई बात नहीं, 10 मिनट और सोने देती हूँ, फिर उठा दूंगी। 10 मिनट बाद रूहानिका की माँ फिर से उसके पास जाती है और कहती है, उठ जा बेटा, नहीं तो आज खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं होगा। रूहानिका अंगड़ाई लेते हुए उठती है और बाल्टी लेकर नल पर पानी भरने चली जाती है। वहाँ पर औरतों की बहुत भीड़ थी। रूहानिका उन औरतों से कहती है, अरे काकी, मैं इतना लेट पानी भरने आई हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग यहीं पर हो, अरे कितना पानी भरोगी, अब मुझे भरने दो। अरे
देर से आई है तो पानी भी देर से भरियो। रोज हम लोगों को बातों में लगाकर खुद पहले पानी भर लेती है। आप भी ना काकी। अच्छा बस आज भरने दीजिए, कॉलेज के लिए देरी हो रही है। अच्छा ठीक है, भर ले, कल से जल्दी आइयो। रूहानिका बहुत चंचल स्वभाव की थी। रूहानिका पानी भर के नहा धोकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है और कॉलेज पहुंच जाती है। रूहानिका की एक बहुत ही प्रिय सहेली थी, उसका नाम अपेक्षा था। अपेक्षा और रूहानिका में जमीन आसमान का फर्क था। अपेक्षा एक बहुत बड़े और अमीर घराने से ताल्लुकात रखती थी। भले ही उनमें अमीरी गरीबी का फर्क था, लेकिन उन दोनों में बहुत प्यार था। वो दोनों ऐसे साथ रहते थे जैसे एक दूसरे की बहनें हों। पढ़ाई करना हो या लंच करना हो, सारे काम वो साथ में ही करती थी। रूहानिका के कॉलेज पहुंचते ही अपेक्षा कहती है, क्या हुआ, तू आज भी लेट हो गई? तेरे चक्कर में मैं भी क्लास में नहीं गई। तुझे पता है हमारी इंग्लिश की क्लास मिस हो गई है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लास में जाएंगे। अरे यार, तुझे तो पता है ना मेरे घर से कॉलेज कितना दूर है, बस भी समय पर नहीं मिलती है। कोई नहीं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। उस दिन कॉलेज पूरा करके जब रूहानिका घर के लिए निकली, तो उसके बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। वो बस स्टैंड पर खड़ी होकर बस का इंतजार करने लगती है। तभी अपेक्षा अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती है और अपनी कार का शीशा नीचे करके कहती है, ओए रूहानिका, जल्दी से अंदर आके बैठ जा, नहीं तो भीग जाएगी। रुक, आती हूँ। रूहानिका अपेक्षा की गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों घर की तरफ आने लगते हैं। तभी गाड़ी में बैठी अपेक्षा रूहानिका से कहती है, रूहानिका, आज तूने कॉलेज में बताया था ना कि आज तेरी मम्मी घर पर नहीं है, वो रात को आएंगी, तो तू एक काम कर, तब तक मेरे घर पर चल। आज का डिनर तुम मेरे घर पर ही करियो, उसके बाद अपनी गाड़ी से मैं तुझे तेरे घर छोड़ाऊंगी। प्लीज यार, अब मना मत करियो। अच्छा चल ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे, लेकिन तेरे मम्मी पापा कुछ कहेंगे तो नहीं ना? चल पागल हो गई है क्या, वो क्यों कहेंगे कुछ भी। थोड़ी देर में ही दोनों सहेलियां घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचने के बाद अपेक्षा रूहानिका से कहती है, यार आज तू पहली बार मेरे घर आई है, बता मैं तुझे क्या खिलाऊं। रूहानिका का अपेक्षा की बातों पर ध्यान ही नहीं था, वो अपने मन में कुछ अलग ही सोच रही थी। बाप रे, ये घर है या महल है, सुख सुविधा की सारी चीजें हैं यहाँ पर। तभी अपेक्षा दोबारा से कहती है, अरे कहाँ खो गई, कुछ पूछ रही हूँ मैं, बताना क्या खाएगी। कुछ भी चलेगा, कुछ भी बना ले। चल मैं तुझे आज अपने हाथों से कुछ बना कर खिलाती हूँ, लेकिन तुझे भी मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि तुझे तो पता है मुझे कुकिंग ज्यादा नहीं आती। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल आजा किचन में चलते हैं और कुछ बनाने का ट्राई करते हैं। उसके बाद रूहानिका अपेक्षा के साथ उसके किचन में जाती है। उसका किचन पूरी तरह से मॉड्यूलर था, जहाँ पर बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें थी। रूहानिका अपेक्षा के किचन को देखकर दंग रह जाती है और मन में सोचती है, अरे वाह, यहाँ पर तो कितनी सारी चीजें हैं, जिन जिन चीजों के बारे में मैंने सिर्फ सुना था, आज मैंने उन चीजों को देख भी लिया। ओए तू फिर कहाँ खो गई यार, कब से पूछ रही हूँ क्या खाएगी क्या खाएगी। तुझे क्या बनाना आता है, मैगी के अलावा तो तुझे कुछ बनाना नहीं आता, और पूछ ऐसे रही है जैसे पता नहीं क्या बना कर खिलाएगी मुझे। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद दोनों सहेलियाँ मैगी बनाने की तैयारी करने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अपेक्षा की मम्मी आ जाती है और अपेक्षा से कहती है, अरे बेटा आज रूहानिका पहली बार हमारे घर आई है, तो तुम उसे मैगी बनाकर खिलाओगी। एक काम करो, तुम दोनों रूम में जाकर बातें करो, मैं घर के नौकर से बोलकर तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनवा देती हूँ। नमस्ते आंटी, मेरा क्या है, मैं कुछ भी खा लूंगी, आप इतना परेशान मत होइए। ऐसे कैसे कुछ भी खा लोगी, आज पहली बार तुम हमारे घर आई हो। उसके बाद दोनों सहेलियां रूम में जाकर बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद अपेक्षा की माँ अपने नौकर द्वारा उनके रूम में ढेर सारे स्नैक्स और जूस भिजवाती है। उसके बाद डिनर में वो लोग शाही पनीर, बूंदी रायता, सलाद, मीठे में खीर और गुलाब जामुन खाते हैं। इतना लाजवाब खाना आज तक कभी रूहानिका ने नहीं खाया था। वो भर पेट डिनर करती है। उसके बाद अपेक्षा उसे अपनी गाड़ी से घर छोड़ आती है।
घर पर रूहानिका की माँ उसका इंतजार कर रही थी। अरे बेटा, तू आ गई। अच्छा हुआ तू अपेक्षा के घर चली गई थी। मैं भी बारिश में भीगती हुई अभी घर पहुँची हूँ। जब वापस आ रही थी तो रास्ते में कढ़ी चावल बट रहे थे, तो थोड़ा ले आई। आजा, दोनों मिलकर खा लेते हैं। आप खा लो माँ, मैं अपेक्षा के घर से डिनर करके आई हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं खा लेती हूँ। चावल थोड़े ठंडे हो गए हैं, थोड़ा गर्म कर लेती हूँ। ऐसा कहकर रूहानिका की माँ चूल्हे में आग जलाने लगती है। बड़ी ही मेहनत से चूल्हे में आग लगती है। उसके बाद वो चावल गर्म करती है। उसकी आँखों में बहुत धुआं जा रहा था और धुएं से वो खांस भी रही थी। ये सब देखकर रूहानिका उदास हो जाती है और मन में सोचती है, कैसी जिंदगी है मेरी। अमीर लोगों को खाना गर्म करने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगता है। माइक्रोवेव खोलो और उसमें खाना डालकर गर्म कर लो। लेकिन गरीब लोगों को यही काम करने में कितना समय लगता है और ऊपर से कितना कष्ट होता है। उसके बाद रूहानिका की नज़र चूल्हे के पास रखे कुछ डिब्बों पर जाती है जिसमें ना के बराबर राशन होता है। ये सब देखकर रूहानिका फिर से अपने मन में सोचती है, अमीरों की रसोई में कितना सामान होता है, समझ ही नहीं आता क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए। और एक हमारी रसोई में ये सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाए जो कल के लिए अनाज बच जाए। इसी तरह काफी समय बीतता गया। रूहानिका पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो अक्सर पढ़ाई में अपेक्षा की मदद किया करती थी। अपेक्षा और रूहानिका के एग्जाम आने वाले थे। रूहानिका अक्सर कॉलेज खत्म होने के बाद अपेक्षा के साथ पढ़ाई करने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन दोनों सहेलियां बैठकर अपेक्षा के घर में पढ़ाई कर रही होती हैं। तभी अपेक्षा रूहानिका को बोलती है, अरे यार मैं पढ़ाई करते करते काफी थक गई हूँ। तू एक काम करना, फ्रिज में मैंगो जूस रखा हुआ है, तू जाकर अपने लिए और मेरे लिए ले आना। अपेक्षा के ये कहने पर रूहानिका किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है। अरे बाप रे, ये फ्रिज कितना बड़ा है और इसके अंदर कितनी सारी खाने पीने की चीजें हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई ग्रोसरी की दुकान हो। इसके अंदर दुकान की तरह कितनी सारी चीजें रखी हुई है खाने की। और एक हम गरीब लोगों के यहाँ फ्रिज के नाम पर एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा रखा हुआ होता है। इतना कहते हुए रूहानिका फ्रिज से जूस निकालती है। तभी उसका हाथ वहाँ रखे बहुत महंगे डिनर सेट पर लगता है और वो पूरा डिनर सेट जमीन पर गिर के चकनाचूर हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? आवाज सुनकर अपेक्षा और उसकी माँ भी वहाँ आती है। मुझे माफ कर दो आंटी, अपेक्षा मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं कैसे मेरा हाथ लगा और ये डिनर सेट नीचे गिर गया। अपेक्षा, अपनी सहेली को बताओ इस डिनर सेट का कितना दाम था। तुझे पता है रूहानिका, मेरे पापा ने ये डिनर सेट दुबई से मंगवाया था। पूरे 6 लाख का डिनर सेट है ये। अपेक्षा, अपनी सहेली से बोलो क्या ये इसका भरपाया कर पाएगी। माफ कीजिए आंटी, लेकिन इतने पैसे तो हम कई सालों में भी आपको नहीं दे पाएंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। रूहानिका ऐसा कहती है तभी वो दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती हैं। फिर अपेक्षा कहती है, मानना पड़ेगा माँ, क्या एक्टिंग करती हो आप। देखो रूहानिका के होश अभी तक उड़े हुए हैं। सही कहा तुमने बेटा। रूहानिका बेटा, हम सिर्फ तुम्हारे साथ छोटा सा प्रैंक कर रहे थे। जैसे ही तुमने डिनर सेट गिराया, आवाज सुनकर सडनली मेरे दिमाग में ये आइडिया आ गया और मैंने अपेक्षा को आंख मारा और वो भी मेरा प्लान समझ गई। आप दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा अपेक्षा, बहुत समय हो गया है, अब मैं घर चलती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहकर रूहानिका अपने घर आने लगती है। रास्ते में रूहानिका उसी बारे में सोच रही थी जो भी थोड़ी देर पहले हुआ था। उसे अपेक्षा और उसकी माँ से कोई शिकायत तो नहीं थी, लेकिन ये मजाक कहीं ना कहीं उसके दिल पर लग गया था और वो दुखी हो गई थी। कैसी जिंदगी है हमारी, अगर आज अपेक्षा की जगह कोई और होता तो मुझे 6 लाख का भरपाया करना पड़ता। मैं इतना पैसा कहाँ से देती। हे भगवान, तूने क्या सोचकर अमीर और गरीब बनाए हैं? सबको एक समान क्यों नहीं बनाया? तूने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि हम गरीबों की जिंदगी कितनी कठिनाइयों से भरी रहती होगी। रूहानिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चली जा रही थी। तभी अचानक से उसके पैरों के नीचे एक पत्थर आ जाता है और वो गिर जाती है।
और उसके सर पर काफी चोट आ जाती है, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था जो रूहानिका की मदद कर सके। तभी वहाँ पर एक अनजान लड़के की गाड़ी आकर रुकती है। वो लड़का बहुत ही हैंडसम था। वो बाहर आता है और रूहानिका को इस तरह चोटिल देखकर उसे फौरन अपनी कार में बिठाता है और उसे लेकर अपने घर जाता है। काफी देर बाद रूहानिका की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक बहुत बड़े आलीशान घर में पाती है, जहाँ किंग साइज बेड पर वो अकेली लेटी हुई थी। ये सब देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? कहाँ हूँ मैं? जहाँ तक मुझे याद है मुझे तो चोट लगी थी, फिर मैं यहाँ कैसे आई? तब वो लड़का रूहानिका के लिए चाय लेकर आता है और कहता है, तुम्हें चोट लग गई थी और तुम बीच सड़क पर लेटी हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम रूहानिका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौर्य है। ऐसा कहकर शौर्य अपने मन में सोचने लगता है, रूहानिका कितना प्यारा नाम है, जितनी प्यारी खुद है उतना ही प्यारा नाम है। हाय, मैं तो मर गया। शौर्य को रूहानिका पर क्रश आ गया था। रूहानिका को भी शौर्य अच्छा लगा था। शौर्य ने रूहानिका को प्रपोज किया और उसने हाँ कर दी। उसने शौर्य को अपनी माँ से मिलाया। रूहानिका की माँ को भी शौर्य बहुत पसंद था। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। शादी वाले दिन अपेक्षा ने कहा, वाह बेटे, चुपके चुपके इतना स्मार्ट लौंडा सेट कर लिया तूने, और बताया भी नहीं। तुम मुझे छेड़ रही हो ना? इस तरह सभी हंसने लगे। शादी के बाद शौर्य ने रूहानिका की माँ की भी जिम्मेदारी उठा ली। इस तरह रूहानिका भी अब एक बहुत रहीस खानदान की बहू हो गई थी। कुछ ही दिनों बाद अपेक्षा की भी शादी हो गई। इस तरह अमीर बेटी और गरीब बेटी दोनों को दोनों के भाग्य का मिल गया और वो दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे।